कर्नाटक के कलबुर्गी में एक इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम में कथित तौर पर आग लगाने के आरोप में एक 26 वर्षीय व्यक्ति को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उसके इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ बार बार समस्याएं अनसुलझी थीं। आरोपी की पहचान मोहम्मद नदीम के रूप में हुई है, जो अपने स्कूटर की मरम्मत के कई प्रयास विफल होने के बाद निराश था। पुलिस के मुताबिक नदीम ने पिछले महीने ही ओला इलेक्ट्रिक शोरूम से स्कूटर खरीदा था। जल्द ही उसे पिछले पहिए की बेल्ट से आने वाली एक अजीब आवाज की समस्या का सामना करना पड़ा। मरम्मत के लिए स्कूटर को दो बार लौटाने के बावजूद समस्या बनी रही। मंगलवार को नदीम ने शोरूम का दौरा किया। स्कूटर बदलने या वाहन पर खर्च किए गए 1,40,000 के रिफंड की मांग की। जब शोरूम प्रबंधक ने उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, तो नदीम ने कथित तौर पर पेट्रोल की एक बोतल निकाली, उसे शोरूम के चारों ओर छिड़क दिया और आग लगा दी। पुलिस इंस्पेक्टर राघवेंद्र भजंत्री ने घटना की पुष्टि की। आग ने फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ साथ 6 स्कूटरों को भी नष्ट कर दिया। कुल क्षति 10 लाख से अधिक होने का अनुमान है, शोरूम प्रबंधक एम पवन ने कहा। अग्निशमन कर्मियों ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, जिससे पड़ोसी इमारतों को और अधिक नुकसान होने से बचाया जा सका। सौभाग्य से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। There was an incident of mischief by fire at Ola showroom yesterday, wherein one known person had visited the showroom with petrol and he had set the bikes on fire. In the incident, 6 bikes were burnt and the loss is to the tune of around 8.5 lakh. Suddenly, the fire attendants were rushed to the spot and the fire was doused in time. Basically, once we started the investigation, it was learned that the accused, by name Mohammed Nadeem, he is a 26-year-old mechanic. He had bought a bike a month back. Hard-earned money was spent into the purchase. But suddenly, he had serious issues with the bike. So, he was made to visit the showroom multiple times, which led to the altercation with the showroom manager and the accused. So, he got enraged and yesterday he set fire to the bikes. 6 bikes were damaged. And he had voluntarily visited the stations, claiming that he is the reason for setting the fire. We have collected the investigation basically from where he has bought the petrol and from where he bought the matchbox and what is the reason, and everything is corroborating. He was arrested and he is remanded to judicial custody for 15 days.